चाइना बांग्लादेश के थ्रू पूरी दुनिया में अपने गुड्स बेचने का काम कर रहा था, क्योंकि चाइना प्लस वन की पॉलिसी की वजह से चाइना की जगह और कंट्रीज को कंसिडर किया जा रहा था। और अब यूरोप के देशों ने यह पॉलिसी ठीक से समझ ली है, और ऐसा तो एक दिन होना ही था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होने वाले बाइसिकल्स पर जर्मनी ने बड़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अब हर साल 30 से 40 मिलियन डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। खबर को डिटेल में समझने से पहले कुछ इनसाइट आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इंग्लैंड के बाद जर्मनी बांग्लादेश की बाइसिकल्स का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा था। यहां तक कि पिछले साल से जर्मनी को बाइसिकल्स का एक्सपोर्ट 20% तक बढ़ा है। बांग्लादेश यूरोपियन मार्केट का बड़ा हिस्सा संभाले हुए है, जहां बांग्लादेश की टोटल बाइसिकल मार्केट 2022 में 287 मिलियन डॉलर थी, तो उसका 25% अकेला जर्मनी को ही एक्सपोर्ट होता रहा है। लेकिन अब जर्मनी को संदेह हो गया है कि यह बांग्लादेशी बाइसिकल्स असल में मेड इन चाइना बाइसिकल्स हैं, जिसे बांग्लादेश के जरिए यूरोप मार्केट में बेचा जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के बाइसिकल एंड पार्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, जबकि एसोसिएशन का कहना है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश को इस मामले में इन्वॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में अकेले बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स ही सफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जर्मनी के बाइसिकल इंपोर्टर्स भी नुकसान भुगत रहे हैं, क्योंकि अगर इस इश्यू को जल्दी रिसॉल्व नहीं किया गया तो बड़ी मात्रा में जर्मन इंपोर्टर्स का काम रुक जाएगा। जहां 2020 से 21 में बांग्लादेश करीब 1 मिलियन बाइसिकल्स एक्सपोर्ट कर रहा था, अब इस इशू की वजह से बाइसिकल एक्सपोर्ट में बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।